प्रदेश सरकार ने भले ही छुट्टक घूमने वाले मवेशियों को पनाह देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर गौशाला बनाई, लेकिन बाराबंकी जिले की अधिकतर गौशालाओं में गौवंशों की हालत दयनीय है। यहां सिरौली गौसपुर क्षेत्र की श्यामनगर गौशाला से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि भूख और प्यास से गौशाला में रखे मवेशी मर रहे हैं। इन मरे हुए मवेशियों को यहाँ से हटाया भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर मरी पड़ी हुई गाय के मांस को चिलकवे नोच रही हैं। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि श्यामनगर गौशाला की ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ पर जानवरों को न हरा चारा मिल रहा है, न ही सूखा चारा मिल रहा है। जानवर भूख प्यास से घास चरने के लिए बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बंधे हुए तारों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में इतना कीचड़ और गंदगी है कि बीमार गायों को भी चील कौवे नोच रहे हैं। यहाँ पर जो गौशाला है श्यामनगर का, ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ पर न चारा मिल रहा है जानवरों को, और ना सूखा ही चारा है ना हरा चारा है। जानवर इधर उधर सब घास चरने के लिए तार से निकल रहे हैं, लेकिन किनारे घास भी नहीं है किसी तरह से अपना भूख मिटाने के लिए। और इतना कीचड़ भरा है कि सब जो बीमार पशु हैं उनको, कौवा सब जीवित पशुओं को भी नोच रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है श्यामनगर गौशाला की। दरअसल इस गौशाला में हरा चारा तो दूर, सूखा चारा भी जानवरों को नसीब नहीं हो रहा है। इसके चलते गौशाला में मवेशी मर रहे हैं। गौशाला में मौजूद अन्य जानवर भूख और प्यास से तड़प कर बाहर निकलने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कटीले तारों के चलते वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर सरकार और जिला प्रशासन को गंभीरता से सोचना चाहिए, जिससे इन जानवरों की स्थिति सही की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।